गेजर सुपरनोवा क्या होता है? तो देखिए, जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तारा ठंडा होने लगता है, तब उसमें एक विस्फोट होता है जिसे कि हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। बहुत ईजी चीज होती है, इसको समझना कोई बड़ा बात नहीं है, मैं आपको ये बोल दिया ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। अगर आप तारा का निर्माण इस चीज को नहीं जानते, तो गाइस यार जब आप जन्म के बारे में नहीं समझोगे तो उसके मृत्यु के बारे में कैसे समझोगे? ठीक है, उसके मृत्यु का क्या कारण था, उसे क्या हुआ, आप ये कैसे समझ पाओगे जब तक आप उसके जन्म के बारे में नहीं समझोगे? गाइस मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो से ही जन्म के बारे में देखें, मैं आपको इस चीज का बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। आप इस चीज के बारे में पढ़ सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, आपको जहां से मन वहां से देख सकते हो, अगर आपका इच्छा हो तो मेरा वीडियो भी देख सकते हो, मैंने बना के रखा है तारों का निर्माण। ठीक, तो देखिए सुपरनोवा, अब इसको एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं यहाँ पे लिख के। गाइस देखिए, जब तारों के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस खत्म होने लगता है, ठीक है, तारा ठंडा होने लगता है, तारा ठंडा होने लगता है, तो तारों में एक विस्फोट होता है। विस्फोट समझते हैं, ब्लास्ट, विस्फोट, उसी को हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस चीज के नाम जानते हैं? सुपरनोवा के नाम जानते हैं। अब गाइस यार सुपरनोवा इसी प्रक्रिया में आता है एक न्यूट्रॉन स्टार, इसी के दौरान न्यूट्रॉन स्टार का भी जन्म होता है। आइए हम न्यूट्रॉन स्टार के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक नहीं है, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार या न्यूट्रॉन तारा बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार ये क्या चीज होता है? जो तारा होता है, जो मैं अभी आपको सुपरनोवा में बताया कि उसका हाइड्रोजन गैस खत्म होने लगता है, वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे और वो विस्फोट हो जाता है, उसी विस्फोट हुए तारे का अगर कोई अत्यधिक घनत्व वाला हिस्सा बच जाता है, अत्यधिक घनत्व वाला हिस्सा बच जाता है, न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होता है उसी से। न्यूट्रॉन स्टार इसमें अत्यधिक घनत्व होता है, इस न्यूट्रॉन स्टार में भी अत्यधिक घनत्व होता है, बहुत ज्यादा इसमें डेंसिटी होती है, इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है न्यूट्रॉन स्टार का। और ये इसका जन्म कैसे होता है? जो सुपरनोवा का जो विस्फोट होता है उसी में अगर थोड़े बहुत शेष बच जाते हैं कुछ उसका अत्यधिक घनत्व वाला हिस्सा, तो उसी को न्यूट्रॉन स्टार के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन स्टार का सर्वप्रथम खोज मिस जॉकलिन बेल ने किया था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? मिस जॉकलिन बेल। गाइस यार ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक बार मिस जॉकलिन बेल ने क्या किया था? सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार का खोज किया था, ठीक है, और किस सन में किया था खोज, यहाँ पे लिख देता हूँ 1967 में मिस जॉकलिन बेल ने सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार का खोज किया था। अब न्यूट्रॉन स्टार का रोटेशन पीरियड क्या है, मतलब इसका घूर्णन काल क्या है? तो ये एक सेकंड में 30 बार अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर एक सेकंड में 30 बार रोटेट होता है, यानी कि घूमता है, रोटेशन एक सेकंड में 30 बार ही अपने अक्ष पर घूमता है न्यूट्रॉन स्टार। तो गाइस यार आपने न्यूट्रॉन स्टार और सुपरनोवा के बारे में अच्छी तरीके से भी पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।